हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी कोच और एक एनएलपी ट्रेनर हूँ। होता क्या है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग दुखी क्यों हैं, मतलब लोगों के जीवन में इतना सारा दुख क्यों होता है, लोग अपसेट क्यों होते रहते हैं। लोगों का अपसेट होने का कारण जो है, मतलब वो कारण जो अनेक कारण है, उसमें का एक कारण मैं आपसे आज मतलब उसके बारे में बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। हमारे आसपास काफी सारी बातें हो रही है, काफी सारे लोग हैं, काफी सारी घटनाएं होते जा रही है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन जो है, वो ऐसा उसको मतलब एक प्रकार का संस्कार हुआ है या ट्रेनिंग मिला है कि हम उसको जो भी घटना हो रही है उसको हम अर्थ लगाते जाते हैं। कुछ भी होगा तो हम उसको अर्थ लगाएंगे, जो भी हो जाएगा उसको हम मीनिंग लगाएंगे, अर्थ लगाएंगे। हालांकि कोई भी घटना में उसका अर्थ कुछ भी नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं रहता। जीवन होते जा रहा है, जीवन आगे बढ़ रहा है, एक 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 पल आगे 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 जा रहा है। जो घटना हो रही है उसको कोई अर्थ नहीं है, हम उसको अर्थ उसमें अर्थ डालते हैं। समझ के चलो कि मैं इधर से जा रहा हूं, सामने से और कोई व्यक्ति आ रहा है, वो मेरा थोड़ा परिचित है, मैंने उसके तरफ देख के उसको नमस्ते किया और उसने देखा भी नहीं और नमस्ते भी नहीं किया, इसलिए आप क्या अर्थ लगा देंगे? आप लगा देंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा आदमी बन गया इसलिए मेरी तरफ देख नहीं रहा, ये मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, इसको अहंकार चढ़ गया है। तुरंत हमारा अर्थ लगाना चालू हो जाएगा। हम ये अर्थ नहीं लगाएंगे कि नहीं नहीं उसका ख्याल नहीं होगा, और ख्याल नहीं होने की वजह से वो मेरे तरफ उसने देखा नहीं है, इसके वजह से उसने मेरे नमस्ते को उसने नमस्ते नहीं किया। हम क्या करेंगे कि नहीं, उसका अहंकार काफी बड़ा हुआ है, वो मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, आगे चल के मैं उसको मेरे जीवन से काट दूंगा, उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा नहीं, उसको कुछ तो भी उल्टा पुल्टा बोल दूंगा और संबंध मेरे बिगाड़ दूंगा। देखो, आप सुबह से रात तक जो भी घटनाएं हो रही है, हम वो घटना को कुछ ना कुछ अर्थ लगा देंगे। मैं रास्ते से जा रहा हूं, मेरे बाइक के ऊपर पीछे से कोई और आया और उसने मुझे ओवरटेक करके आगे बाइक लेके गया, तुरंत मैं अर्थ लगा दूंगा कि मुझे उसने ओवरटेक किया, मेरा इंसल्ट हो गया, अभी मैं भी टेस्ट जैसे गाड़ी चलाऊंगा और उसको ओवरटेक कर लूंगा, उसने मुझे कम देखा, कुछ तो भी अर्थ निकाल लेंगे। किसके यहाँ शादी है, उसने मुझे पत्रिका दिया नहीं, मेरे पास पत्रिका आई नहीं, अर्थ लगा देंगे उसने मुझे बुलाया नहीं, उसके लिस्ट में मैं नहीं हूं, वो मुझे महत्व देता नहीं है। तो वो सुबह से उठने के बाद में रात तक हम कुछ ना कुछ अर्थ देते जाएंगे और हम लाइफ हमारा जी रहे और फिर उससे हम दुखी हो जाते हैं। आपके लाइफ में और लाइफ में मतलब जीवन में, आपके जीवन में और जीवन में घटनाएं होते जा रही है, घटना को कोई रोक नहीं सकता, उसको हम क्या मीनिंग लगाते हैं, क्या अर्थ लगाते हैं, उसके ऊपर फिर मेरा दिमाग चलता है और मेरा होना होते रहता है। मैं तो ऑटोमेटिकली अर्थ लगाते जाऊंगा, कुछ भी होगा तो मैं अर्थ लगा दूंगा, कुछ भी होगा तो मैं अर्थ लगा दूंगा, ऑटोमेटिक है, वो मेरे हाथ में है नहीं, मेरे कंट्रोल में है नहीं, और फिर अर्थ लगाने के बाद में मैं दुखी हो जाऊंगा। तभी इसको समझो, मैं प्रेजेंट हो जाता हूं कि दुनिया में कोई अर्थ नहीं, ये जो जिंदगी हो रही है वो जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है, घटनाएं होते जा रही है। अभी पंछी उड़ रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, पंछी उड़ रहे हैं कोई मीनिंग नहीं है, पत्थर बहुत कठिन है इसका क्या मीनिंग है, उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो जिंदगी में मीनिंग कुछ नहीं है, मगर हम क्या करते हैं कि जो भी घटना हो रही है उसको मीनिंग देते जाते हैं, वो मीनिंग हमको दुखी करता है, अपसेट करते जाता है, और फिर वहां से हम जीते हैं, वहां से हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, वहां से हम लोगों से बर्ताव करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। मार्केट टाइट है, ये हमारा मीनिंग है, मैं छोटे गांव में हूं ये मेरा मीनिंग है, मुझे कोई पूछता नहीं मेरा मीनिंग है, मुझे कोई मान सम्मान देता नहीं ये मेरा मीनिंग है, ये मेरी कहानी है, लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते ये मेरा मीनिंग है, मेरा लग अच्छा नहीं है मेरा मीनिंग है। हम पूरा मीनिंग से उसको कुछ तो भी अर्थ देके हम जीवन जीते हैं।
तो हमको मीनिंग तो लगाना है, अर्थ देना है लाइफ को। यदि हम अच्छा अर्थ देंगे, जो अर्थ हम देंगे, जो मतलब हम लगाएंगे लाइफ को, ये जिंदगी को, वो मतलब यदि मुझे ताकत देता है, वो मुझे शक्तिशाली रूप से मुझे जीवन जीने देगा, तो वैसा मीनिंग में लगाऊंगा जहां से मुझे ताकत मिलेगी, जहां से मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। तो मेरा काम यह है कि जो भी हो रहा है वहां तुरंत प्रेजेंट हो जाना, वहां तुरंत मौजूद होना कि नहीं ये जो है इसको ऐसा कोई अर्थ नहीं है, जो भी है वो मेरा मीनिंग है, अभी मुझे उसको शक्तिशाली मीनिंग देना है, सकारात्मक मीनिंग देना है, पॉजिटिव मीनिंग देना है, ताकि मुझे वहां से शक्ति मिलेगी, मैं वहां से अच्छी जिंदगी में जी पाऊंगा। तो अभी इतना ही है। आप देखो कि जो जो आपके आसपास में जो लोग दुखी है, जो लोग ऐसा जीवन जी रहे कि उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख है, लोग उनको सुनते नहीं हैं, लोग उनको मानते नहीं हैं, लोग उनसे झगड़े करते रहते हैं, लोग उनके ऊपर प्यार करते नहीं हैं, ऐसा जो भी कुछ आपके साथ में कोई बात करता है, उनको आप जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि जो भी है वो आपने स्टोरी बना के रखी है लोगों के बारे में, आपने कुछ तो भी कहानी बना के रखी है लोगों के बारे में, वहाँ लोगों में कुछ भी नहीं है। तो आप अभी अच्छा मीनिंग बनाओ, ये वीडियो लोगों को शेयर करो, ताकि लोग अच्छे तरह से अपना जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो।